नमस्कार, वन इंडिया में आपका स्वागत है। मेरा नाम अविनाश है। क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर ने आगामी टेस्ट सीरीज को लेकर बड़ा बयान दिया है। सचिन तेंदुलकर ने बताया है कि आखिर किन तीन खिलाड़ियों से भारत को सबसे ज़्यादा खतरा होने वाला है। इन तीन खिलाड़ियों में सचिन ने किसी गेंदबाज का नाम नहीं लिया है। सचिन ने कहा है कि डेविड वार्नर, स्टीवन स्मिथ और मार्नस लबुशेन भारत को काफ़ी परेशान करने वाले हैं, क्योंकि ये तीनों ही खिलाड़ी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और इन तीनों पर ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी भी टिकी होती है। गौरतलब है कि पिछली बार स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर बैन की वजह से नहीं खेल पाए थे। बॉल टेम्परिंग की वजह से स्टीवन स्मिथ और वार्नर को मौका नहीं मिला था। वो एक साल के लिए बैन झेल रहे थे, लेकिन इस बार स्टीवन स्मिथ और डेविड वार्नर खेलते हुए नजर आएंगे। सचिन ने कहा, ऑस्ट्रेलिया ने जब पिछली बार भारत के साथ खेला था, उसके बाद से अब तक उनकी टीम में तीन महत्वपूर्ण खिलाड़ी आ चुके हैं। उनके पास डेविड वार्नर है जो टीम में वापस लौटे हैं, स्टीवन स्मिथ और मार्नस लबुशेने भी जो पिछली बार नहीं खेले थे। लिहाजा पिछली बार की तुलना में इस बार की ऑस्ट्रेलियाई टीम काफ़ी मजबूत है। जब आपकी टीम में कुछ सीनियर खिलाड़ी नहीं होते हैं तो खालीपन साफ नज़र आता है और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने पिछली बार ये महसूस किया था, लेकिन इस बार बिल्कुल नहीं। आपको बता दें, मार्नस लबुशेन भी भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। मार्नस लबुशेन इस समय टेस्ट रैंकिंग में चौथे नंबर पर है और लगातार बढ़िया प्रदर्शन कर रहे हैं। भारत के खिलाफ वनडे सीरीज में भी मार्नस लबुशेन ने एक अर्धशतक जमाया था। बताते चले कि दोनों देशों के बीच चार मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला 17 दिसंबर से एडिलेड में खेला जाना है। ये मैच डे नाइट होगा। पहली बार भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में कोई पिंक बॉल टेस्ट मैच खेलने वाली है। दूसरे मैच यानी कि बॉक्सिंग डे मुकाबला 26 दिसंबर से शुरू होगा और तीसरा मुकाबला 7 जनवरी से खेला जाना है, जबकि आखिरी टेस्ट मैच 15 जनवरी को शुरू होगा। इस खबर में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।